नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात की थी जायश्री के बारे में, शुरू की थी ना, आज हम बात करेंगे पद्मावत के बारे में। उसके पहले मैं बता दूं, कल के सवाल प्रश्नों का जवाब कंचन लता जी ने दिया था और नागमणि जी ने एक प्रश्न का उत्तर दिया था, दीपाली यादव जी ने दिया है, श्रीम जी ने दिया है, पुपरी कलाम जी ने दिया है, पूजा तिवारी जी ने दिया है, अनूप पांडे जी ने दिया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा कमेंट करने वालों के में कविता शर्मा जी, उपदीप जी और दिलखुश जी और कंचन लता जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और जो लोग जवाब दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पद्मावत में प्रेम गाथा की पूर्ण पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, मतलब अब ये पूर्ण रूप से विकसित रूप में हमारे सामने आती है। ये परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, मतलब जो पद्मावत है ये उस परंपरा का सबसे अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है, मतलब इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण इस कहानी में है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है, क्योंकि चित्तौड़ की महारानी थी इसलिए हिंदुओं के हृदय को कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पे स्पर्श करता है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली हैं, पर उन्होंने कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। मतलब इन्होंने जरूर से कहानी का जो नायक नायिका है वो इतिहास प्रसिद्ध लिए, लेकिन कहानी का ढांचा या रूप वही लिया जो उस समय चल रहा था, यानी कि कल्पना का उत्कर्ष उसमें भी दिखाया है। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है ना, मतलब पूर्व की कहानी तो बिल्कुल कल्पित है, शुरुआत की कहानी, और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है, जबकि बाद की कहानी ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावत की कथा संक्षेप इस प्रकार है। वैसे तो इस कहानी को सभी जानते होंगे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी की जबान में सुन लेना, वाणी में सुन लेना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, आपको उत्तर देने में आराम रहेगी। सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावत रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी, उसके योग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास हीरा मन नाम का एक सुआ था, मतलब तोता था, जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। ठीक है, एक दिन वह पद्मावती से उसके वर ना मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया, मतलब क्रोधित हो गया राजा उसके ऊपर। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावत ने सुनकर बहुत विलाप किया, वो उसका तोता उड़ गया था है ना, तो वो रोई। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिए के हाथ पड़ गया, ठीक, जिसने बाजार में ले जाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1,00,000 देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। 1,00,000 रुपए देकर तोते को खरीदा था, सुए को खरीदा था ब्राह्मण से किसने, रतन सेन ने, याद कर लीजिएगा, हो सकता है कभी काम आए। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार खेलने को गया तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप पे बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और उसने सिंगल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं सुअर राजा को भी पद्मिनी की प्रशंसा, राजा से भी पद्मिनी के रूप की प्रशंसा ना करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर पे छिपा रखा। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल हुआ और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यथा कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। रूप की व्याख्या सुन के बेहोश हो गए
और बाद में उसे ढूंढने के लिए घर से जोगी बन के निकल पड़े। अब यही कल्पना की पराकाष्ठा है। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवर जोगी के वेश में थे। ठीक है, आगे आगे तोता चल रहा था क्योंकि उसी को पता था, और साथ में 16,000 और कुंवर थे जोगी के भेष में। कलिंग के जोगियों का ये दल बहुत से जहाजों पर सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्टों को झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा। मंदिर में बैठ के शिव के पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा और हीरा मनसुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। पहले सुन के मूर्छित हुआ था, फिर रूप को देख के मूर्छित हो गया। उसके दर्शन अच्छी तरह से भी ना कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो तुम इस दुर्गम सिंघलगढ़ पर चढ़ो, तभी मुझे देख सकते हो। रानी भी पद्मावती भी कम नहीं थी। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली देने ले जा रहे थे। इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व उनके पैरों पर गिर पड़ा। मतलब जोगियों के साथ में स्वयं भगवान शिव भी आए थे उनकी सेना में, और जिसको किसने पहचान लिया? गंधर्व सेन ने, और उनके पैरों पर गिर पड़े और क्या कहा? बोले, पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़ आ गए। ठीक, रतन सेन की सभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्धि थी, और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी बल से चंद्रमा दिखा दिया। ठीक, बाकी पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने क्या किया? एक दिन प्रतिपदा के दिन द्वितीया कहा और यक्षिणी की जो विद्या सिद्धि उसको थी उसके बल पे चंद्रमा भी दिखा दिया। जब राजा को ये कार्यवाही मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा में दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में जा पहुंचा, और उसने दान में दिए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। मतलब उसको बताया कि उसका रूप तो इस संसार के भी ऊपर है। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन के पास पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई करने की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ को घेरे रहा, पर उसे तोड़ ना सका। अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें ऐतिहासिकता भी है, लेकिन ज्यादातर काल्पनिकता है। राजा ने उसे स्वीकार कर बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण पे देख पाई, और जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचा दिया गया। ठीक, पद्मावती को जब यह समाचार मिला तब वे बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत वीर छत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। घोरा बादल नाम के दो वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास ये संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में आ जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई। उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। ठीक है,
रानी गई थी ना मिलने, उस पालकी में कौन निकला? लोहार, और उसने राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। साहिब सेना पीछे आते देखकर वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा, और बादल रतन सेन को लेके चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा ने कुंभलनेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए, वहां से बच के आ गए, और यहाँ देवपाल और रतन सेन जाके वहां पे दोनों मार दिए गए। देवपाल से लड़ने चले गए थे। रतन सेन का सब चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती देख हंसते हंसते पति के सब के साथ चिता में बैठ गईं। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा, तब वहां राख के ढेर के सिवा उसको कुछ ना मिला। जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्योरे से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पे कहा है, स्वयं लिखने वाले ने कहा है, मतलब जो जायसी जी थे उन्होंने खुद कहा है, तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मनी चीन्हा, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न इतचित बंधा, राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाउद्दीन सैतानु। ठीक है, स्पष्ट समझ में आ रहा है, तन चित्तौड़ मन राजा, हृदय सिंगल दुई बुद्धि पद्मनी, गुरु तोता हीरामन तोता है ना, नागमती दुनिया का गोरख धंधा, राघव सेतन सैतान, ठीक है, और अलाउद्दीन माया। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है। ध्यान रखिएगा, पद्मावत की जो रचना है वो फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन में चली हुई आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पूर्वार्ध में तो एकांत प्रेम का ही आभास होता है, लेकिन जो बाद का भाग है उसमें कुछ सांसारिक विधान भी किए गए हैं, लोक पक्ष का भी विधान किया गया है। पद्मनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। मतलब जो इस संसार से परे होकर जो भावना होती है ना, उस भावना में मग्न कर देगा, क्योंकि जो जायसी ने पद्मनी के रूप का वर्णन किया है, इस संसार के, उन्होंने खुद गाया कि संसार के ऊपर है वो, तो वो लोकोत्तर की भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। कुछ पद्य देखिए, सरवर तीर पद्मनी आई, खेपा छोरी केस मुकलाई, ससिमुख अंग मलय गिरबासा, नागिन झप लिह चहुपासा, ओनई घटा परी जंग छाहा, शशि के सैरन लीन जनुराहा, भूल चकूर दीठ मुकलावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। पद्मनी के रूप के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर, जिसे विरह में सारी सृष्टि व्याकुल सी दिखती है, बड़े सुंदर संकेत किए हैं, है ना। बरुनी का बरनो इमिबानी, साधो बान जान दुई आनी, उन बानहन अस को जो न मारा, बेदी रहा सगरव संसारा, गगन नखत जो जाहि न गने, वे सब बान ओहि के हने, धरती बान वेद सब राखी, सब साखी गाढ़ दे सब साखी, रोव रोव मानस तन थाड़े, सूतई सोत बेधा अस गाने, बरन बान अस सोपह बेधो रन बन ढांक, सौजह तन सब रोवा,
पंखई तन सब पां। इस प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग की भेद, मतलब जो कठिन मार्ग योगी रतन सेन का, क्योंकि वो रोग योगी के रूप में निकलते हैं और बाद में अनेक विघ्न बाधाओं का सामना भी करते हैं, तो वो अगर लोकोत्तर की भावना से बात की जाए तो कौन सी विघ्न होती हैं, काम क्रोध आदि विकार। तो जो उनके मार्ग की विघ्ने हैं उनको किस तरह से बताया गया है, काम क्रोध और विकारों की व्यंजना उसमें की गई है। ओ ही मिलाने जो पहुँचे कोई, तब हम कहा पुरुष भल होई, है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा, बीच बीच नदी खोह और नारा, ठावई ठाव बैठ पट पारा बट पारा। उस ये थी पद्मावती की कहानी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो दी थी, है ना। अब बात करते हैं उस्मान की। उस्मान ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये पांच भाई थे और चारों भाइयों के नाम थे, इनके जो बाकी चार भाई थे उनके नाम थे शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फाजुल्लाह और शेख हसन। इन्होंने अपना उपनाम मान रखा, उस्मान ने अपना उपनाम मान रखा, याद रखिएगा। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? हाजी बाबा के। उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक के प्रारंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और चार खलीफों की, बादशाह की, पहले भी आपको बताया गया है कि जब कोई लिखना जब शुरू करता था तो उस समय के जो बादशाह होते थे उनकी प्रशंसा करता था, तो बादशाह जहांगीर तथा शाह निजामुद्दीन हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। इसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है, आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर चारी पढ़े हम सीखा, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहाई, वचन समान सुदा जग नाही, जेही पाए कभी अमर रहाई, मोह चाव उठा पुनि हिए, हो अमर यह अमृत पिए। ठीक है, ये उस्मान जी की पंक्तियां हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कवि ने योगी ढूंढन खंड में, कौन से खंड में, योगी ढूंढन खंड में काबुल, बदक्षां, खुसारन, रूस, साम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंगल द्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात यह है कि योगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना, ठीक है, योगी अंग्रेज के द्वीप में भी पहुंचते हैं, उस्मान के जो योगी थे। बलम द्वीप देखा अंग्रेजा, जहाँ जाई जही कठिन करेजा, ऊंच नीच धान संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिन केरा। ठीक है, कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है, जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जायसी को पूरी तरह से अनुकरण किसने किया है? उस्मान ने, ठीक है, पर विशेषता यह है कि कहानी कवि बिल्कुल कवि कल्पित है, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है। क्या कहा है? कथा एक में ये उपाय, कहत मीठ और सुनत सुहाई। ठीक, चलिए कथा का सारांश भी देख लेते हैं। नेपाल के राजा धरणीधर पवार ने पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नाम का एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार खेलने में मार्ग भूल देव की मणि पर जा सोया। ठीक है, देव मणि मतलब जो एक प्रेत की मणि थी, देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया, और कोई उपयुक्त स्थान न देख देवों ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्रसारी में ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगा।
मतलब देव तो वहां उत्सव देखने गया था, सुजान को भी ले गया था, राजकुमार को भी, और उनको कोई सही जगह नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया, छुपा दिया उनको ले जाके राजकुमारी की चित्रसारी में, खुद उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देखकर उस पर आसक्त हो गया, मतलब उनको वहां छुपाया गया तो सॉरी, और उन्होंने वहां पे राजकुमारी का चित्र टंगा देखा और उन पे आसक्त हो गए और क्या किया, अपना भी एक चित्र बनवाकर उसी के बगल में टांग कर सो गया। देवलोग उसे उठाकर फिर से उसी में मड़ी में रखाए। जागने पर कुमार को चित्रावली की घटना स्वप्न सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हो गया। वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच उसके पिता के आदमी आकर उसे राजधानी ले गए, मड़ी से भी उठा के राजधानी ले गए, पर वह वहां अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्ध नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उस मणि में गया और वहां बड़ा भारी अन्न सत्र खोल दिया। राजकुमारी चित्रावली ने भी उसका चित्र देख प्रेम में विफल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के बेस में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की मां हीरा से चुगली की और कुमार का वह चित्र भी धो डाला। कुमारी को जब कुमारी ने जब ये सुना तब उसने उसकी कुटीचर का सर मुंडा कर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार को उसके अन्न सत्रा तक पहुंचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। राजकुमारी ने जो दूत भेजे थे उनमें से एक राजकुमार के पास तक पहुंच गया था और उसे अपने साथ ले आया। वहां एक शिव मंदिर में कुमारी के साथ उसका साक्षात्कार हुआ, पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया, क्योंकि उसने राजकुमारी ने कुटीचर को सर मुंडवा के निकाल दिया था ना बदला लेने के लिए, उसने क्या किया, राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया जहां उसे एक अजगर निगल गया, पर उसके विरह की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। हे ईश्वर, क्या कल्पना थी। ठीक है, वहीं पर एक वनमानुष ने उसे एक अंजन दिया जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की त्यों हो गई। वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा, फिर उस हाथी को एक पक्षी राज उड़ा ले गया और उसने घबराकर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। हाथी उसको पकड़ रहा था, पक्षी राज ने हाथी को पकड़ा तो हाथी राज ने डर के राजकुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहां से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचा और राजकुमारी कमलावती की फुलबारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहां आई तब उसे देखकर मोहित हो गई और उसे अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया। भोजन में अपना हार रखवा कर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद करा लिया। लोग इस बीच सोहिल नाम का कोई राजा कमलावती की रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ाया। सुजान कुमार ने उसे मार भगा दी। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के ना मिलने तक समागम ना करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। मतलब उन्होंने कमलावती से विवाह तो कर लिया लेकिन अभी उन्हें चित्रावली की आस थी ही, उन्होंने समागम ना करने की प्रतिज्ञा की और विवाह कर लिया। कमलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए निकल गया। इधर चित्रावली के भेजे हुए एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चक चित्रावली को जाकर संवाद दिया, मतलब बता दिया जाके। चित्रावली का पत्र लेकर दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस योगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वहां सागरगढ़ की एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुनकर राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने चार चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा।
इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह योगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने वह समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया। वह दूत मार्ग में ही कैद कर लिया गया। दूत न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुए और चित्रावली के नाम लेकर पुकारने लगे। राजा ने उसे मारने के लिए एक मतवाला हाथी छोड़ दिया, पर उसने हाथी को मार डाला। उसे मार डाला मतलब उसने हाथी को मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था, इतने में भेजे हुए चार चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ के सोहिल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। जब राजा ने देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। कुछ दिनों में सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार पर के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा, जिसने भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और रास्ते में कमार्ग में कमलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का भी वर्णन किया है। अंत में राजकुमार अपने घर यानी नेपाल पहुंचा। वहां उसने दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज्य किया। ठीक है, जैसा कि कहा जा चुका है कि उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवियों ने पांच चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने सात चौपाइयों के क्रम रखा और यही क्रम उस्मान ने भी रखा है। बाकी सब ने क्या किया, पांच चौपाई फिर एक दोहा, जायसी और उस्मान ने सात चौपाई फिर एक दोहा रखा। ठीक है, कहने की आवश्यकता नहीं है, इस कहानी की रचना में भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। महादेव जी राजा धरणीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं कि देख देत हो अपना अंशा, अब तोरे हो निजवंशा। ठीक है, हुई हो निजवंशा। कमलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती हैं। सुजान का अर्थ ज्ञानवान है। याद रखिएगा, अगर यहाँ तक भी आए हो, पूछ के आपसे प्रश्न पूछ ले तो कोई पहुँच के प्रश्न पूछ ले तो बड़ी बात नहीं है। जायसी का पद्मावती से बहुत पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जा सकता है। कमलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित हैं। सुजान का अर्थ ज्ञानवान है। साधन कला में अविद्या को बिना दूर किए विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब कमलावती को छोड़ा तब चित्रावली मिली। ठीक है, इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त ना होने तक कमलावती के साथ समागम ना करने की प्रतिज्ञा की थी। जैसी की ही पद्धति पर नगर सरोवर यात्रा दान महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। सरोवर की क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढंग से कवि ने ईश्वर की प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे ढूंढ ले, उसकी जीत समझी जाएगी। सखियां ढूंढती हैं और नहीं ढूंढ पाती हैं। सरोवर ढूंढी सबे पच नहीं, चित्रन खोज न पावा कहीं। निकसी तीर भई बैरागी, ध्यान धरे ध्यान सुख बिन वै लागी। गुप्त तो ही पावई का जानी, प्रगट मह जो रहे छपानी। चतुरानन पढ़ी चारों भेदू, राह खोज पे पाव न भेदू। हम अंधी जही आप न सूझा, भेद तुम्हार कहाँ लो बूझा। को न ठाहु जहाँ तुम नहीं नाही, को न ठाहु जहाँ तुम नाही। हम चख ज्योति न देख ही कहीं, पावे खोज तुम्हारे सो। जय दिखरावह पंथ, कहा जोई जोगी भये और बहु पढ़े ग्रंथ। विरह वर्णन आदि के अंतर्गत सटृत वर्णन का सटृत का वर्णन बड़ा सरस और मनोहर है। ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जह जह भौर कुसुम संग भूला। आई कहाँ सो भवर हमारा,
जेहिबन बसत बसंत उजारा, रात बरन पुनि देख न जाई, मानव दवा देहु दिस लाई, रतिपति दुरत ऋतुपति बाली, कानन देह आई दल मली। चलिए मैं अब जल्दी से कल के प्रश्नों के उत्तर दे देती हूँ। अजगर करे ना चाकरी, ये पंक्तियाँ मलुकदास जी की हैं। निर्गुण संप्रदाय में सबसे पढ़े लिखे संत सुंदरदास जी थे। अक्षर अनन्य का संवत 1710 में वर्तमान रहने का पता लगता है। मलुकदास के समय औरंगजेब की सत्ता थी। मलुकदास की दो पुस्तकें हैं, रतन खान और ज्ञान प्रबोध। उसके बाद अब आज के प्रश्न जल्दी से पूछ लेते हैं। कुतुबन किसके शिष्य थे, ठीक है, और किसके किसके आश्रित थे। कुतुबन जो थे कवि, वो किसके शिष्य थे और किसके आश्रित थे। और कुतुबन की मृगावती के नायक और नायिका का नाम बताइए। कुतुबन व्रत मृगावती के नायक और नायिका का आपको नाम बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी किसके शिष्य थे, ठीक है, तीसरा प्रश्न। और कवि बनारसी दास किन दो पोथियों की बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में किस ग्रंथ में उपनायक और उपनायिका का भी वर्णन किया गया है, योजना की गई है, किस ग्रंथ में किस उपनायक और उपनायिका की भी योजना की गई है। ये उत्तर आप आपको देने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत अगर आपको वास्तव में पसंद आ रही हो, तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट्स किया करिए और थोड़ा इस वीडियो को शेयर करिए, तो मैं मेहनत कर रही हूँ दूसरों तक पहुँचे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आपके साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।